अरे सुनो बेटा, तेरा ये दांत कैसे बाहर आ गए? अरे मामा जी, ये बहुत लंबी कहानी है, टाइम मिले तो फिर कभी सुना दूंगा। वैसे आज भी टाइम मिला है, इसीलिए शॉर्ट में सुना देता हूँ। मामा जी, उस टाइम में क्लास 10th में था। एक लड़की रोज स्कूल आती थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद चली जाती थी। दूसरे दिन फिर आती थी और फिर चली जाती थी। नेक्स्ट डे फिर आती थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद फिर से चली जाती थी। अरे कब तक ऐसे आती जाती रहेगी? अरे सब्र कीजिए मामा जी, अभी तक संडे नहीं आया है ना। वैसे आज कौन सी डे है? अरे मामा जी, आज मंडे है। अबे गांडू, तेरी लव स्टोरी में कौन सी डे है? पता नहीं मामा जी। वैसे वो सिर्फ आती थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद चली जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। अरे मामा जी, वो पढ़ने नहीं पढ़ाने आती थी। पढ़ाने आती थी मतलब वो तेरा टीचर थी? अब पढ़ाने आती थी तो टीचर ही होगी ना। अबे गांडू, आगे क्या हुआ? मामा जी एक दिन हिम्मत करके बोल दिया उनसे क्या बोल दिया? यही कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? अबे गांडू, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों करूंगा तुझसे शादी? अरे मामा जी, मैंने आज से नहीं पूछा है, मैंने अपने टीचर से पूछा था। और वैसे भी दुनिया में लड़कियों की कमी तो नहीं हुई है, तो मैं क्यों आपसे शादी करूंगा बताओ? और वैसे भी दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, दुल्हा दुल्हा की शादी नहीं होती। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ना बोल दिया। और थप्पड़ भी मारी? अरे नहीं, तो तेरा दांत कैसे बाहर आ गया? दांत? वो अच्छा दांत? अरे मामा जी, वो कहानी तो 12th की है। तो इतनी देर से क्या बकचोदी कर रहा था तू? डायरेक्ट 12th की कहानी सुना नहीं सकता था? अरे मामा जी, 12th में पहुंचने से पहले 10th में तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पहले 10th की कहानी सुनाई। तो अब 12th की कहानी सुनाना। अरे मामा जी, वो अगले पार्ट में सुनाएंगे।